चार्जिंग लाइन सबसे पहले यहाँ पे लगा देना है। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर में चार्जिंग लाइन में लगा देता हूँ और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसका प्रेशर कितना जाता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ, नाइट्रोजन प्रेशर टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं किसी भी HVAC या चिलर सिस्टम में या फिर पैकेज AC में या स्प्लिट AC में सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे चेक करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, कितना प्रेशर डालना है और हमको लीक चेक करना है। तो वीडियो बहुत काम आने वाली है, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उधर भी काम आएगा और अगर आप काम कर रहे हैं तो भी काम आएगा, काम सीखते हैं सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी काम आएगा और ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसके लिए भी काम आएगा। ये ऑनलाइन एक तरह का कोर्स है हमारा चैनल, इसलिए चैनल को हमेशा सपोर्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उस सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें। और आगे की टॉपिक क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट पर वीडियो बनाने की और आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है स्टेप बाई स्टेप। ये तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी चिलर में या HVAC सिस्टम में AC में यूज़ करने से पहले, ये बड़ा नाइट्रोजन सिलेंडर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये फ़िलहाल बड़ा है, इसमें 2500 PSI तक प्रेशर होल्ड होता है। यहाँ पे एक की दिया हुआ है और यहाँ पे एक सिलेंडर की दिया हुआ है, लग गया हमारा की रेडी है। और इधर इसमें दो गेज लगे हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये वाला, ये सिलेंडर का प्रेशर दिखाता है और यहाँ पर हम लोग कितना प्रेशर डालना है वो दिखाता है। तो आप लोग जानते हैं जैसा भी कोई भी एयर कूल्ड चिलर है या एयर कूल्ड सिस्टम है, चाहे वो HVAC हो, स्प्लिट AC हो, पैकेज AC हो, कोई सा भी हो, तो अगर R22 का गैस अगर उसके अंदर चलता है, रेफ्रिजरेंट चलता है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो 350 PSI तक होता है जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है। और जो 410 रेफ्रिजरेंट गैस है उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो 400-450 तक जाता है, 500 तक भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को जब टेस्टिंग के लिए चेक करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डालना पड़ता है कितना प्रेशर हम लोग इसमें डालेंगे तो ये काम करेगा, उस हिसाब से हमको डालना होता है। तो फिलहाल ये R22 का सिस्टम है, इसमें गैस R22 डलती है तो इसमें 350 प्रेशर तक इस कंडेंसर में जाता है। और जो इवोपरेटर होता है, इवोपरेटर में आप लोग जानते हैं कि जो प्रेशर है इसका कम होता है क्योंकि एक लो साइड होता है एक हाई साइड होता है, तो डिस्चार्ज का प्रेशर 300-350 तक जाता है। और जो सक्शन का प्रेशर है ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व के बाद, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मीटरिंग डिवाइस भी उसको बोला जाता है, वो एक्सपेंशन वाल्व है, तो एक्सपेंशन वाल्व के बाद प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो प्रेशर इसका जो हमारे पास मिलता है वापसी में सक्शन का वो 60-70 होता है, 65 होता है, 68 होता है, 70 मैक्सिमम, तो इतना प्रेशर होता है। तो हम लोगों को इस हिसाब से करना चाहिए ताकि, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर का होता है और कहीं पर भी लीक वगैरह होता है तो उसको बहुत बड़ा करने में टाइम नहीं लगाता है, हम लोगों को इजिली मालूम चल जाता है कि लीक कहाँ पर है। तो फिलहाल मैंने ये गेज जैसे आप लोग देख रहे हैं रेडी कर दिया, यहाँ पर ये डिस्चार्ज का प्रेशर है, ये सक्शन का प्रेशर है, बीच में हम लोग इसमें प्रेशर देंगे। तो डिस्चार्ज का ये देखिए मैंने डिस्चार्ज लाइन में इधर लगा दिया है प्रेशर डालने के लिए, सेक्शन लाइन वहाँ पे है तो वहाँ पे हमने ब्लू कलर का लगा दिया और रेड हमारा कॉमन यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को इस सिलेंडर में लगा के दिखाता हूँ हमने ये क्या करना है। चार्जिंग लाइन सबसे पहले यहाँ पर लगा देना है, ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर में चार्जिंग लाइन में लगा देता हूँ और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसका प्रेशर कितना जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये देखें, यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे ओपन करता हूँ और गेज हमारा जीरो था, अभी देखते हैं कितना इसमें आता है। ये देखिए ये प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है जिसका मेन गेज है, ये देखिए 2000 से ऊपर इसका प्रेशर चला गया है जो हमारा सिलेंडर में अवेलेबल है। यहाँ से मैं इस चाबी को टाइट करता हूँ, देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, ज़्यादा स्पीड में नहीं देना है हमने क्योंकि ये फट जाएगा। यहाँ देखिए 150 के स्पीड में यहाँ पर इसके अंदर नाइट्रोजन जा रहा है। और अगर आप लोग कभी स्प्लिट AC में या पैकेज AC में या किसी और HVAC सिस्टम में प्रेशर डाल रहे हैं तो उसमें और भी आराम से अगर 100 के स्पीड में डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पाइपलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखें ये बहुत ही हेवी थिकनेस का इसका डिस्चार्ज लाइन है, तो इसलिए मैंने 150 का प्रेशर इसमें स्टार्ट किया है। लेकिन आप लोग धीरे धीरे और हमेशा रेगुलेटर यूज़ करें, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर प्रेशर आप डायरेक्टली खोलेंगे, आपसे ये बिना अगर रेगुलेटर का खोलेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट नोजल भी लगता है, निप्पल लगता है, तो वहाँ से अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो ज़रा सा भी थोड़ा भी ज़्यादा खुल गया तो ये सारे कॉइल फाड़ देगा। तो इसलिए कभी भी आप लोग यूज़ करें तो नाइट्रोजन जब यूज़ करें तो ज़रूर इसमें रेगुलेटर लगा दें और आराम आराम से इसके अंदर प्रेशर आपको डालना है। और लीक चेक करने के लिए अक्सर जो बॉटल भी यूज़ किया जाता है और ये लिक्विड सोप जो भी होता है वो यूज़ किया जाता है, स्पंज से भी चेक करते हैं, बॉटल से भी। बॉटल से क्या होता है, पतली धार जहाँ पर पड़ती है और ईजिली मालूम चल जाता है, और इससे भी, लेकिन पानी हम लोगों को पतला रखना होता है लीक पे, ताकि वो लीकेज जो है ना वो उभर के तुरंत, छोटा से माइनर लीक भी होगा तो वो तुरंत आप लोगों को मालूम चलेगा कि लीक इसमें हो रहा है। तो अभी हम लोग एक बार बंद करके चेक करते हैं कि कितना प्रेशर हुआ हमारा होल्ड।
ये देखिए तकरीबन 100 पे आ गया यहाँ पे, देखो है आप लोग 100 105 प्रेशर दिखा रहा है। फिर मैं इसको थोड़े थोड़े जो बड़े लीकेज है वो चेक कर लेता हूँ, प्रेशर डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख लेता हूँ, फिर इसका प्रेशर और आगे बढ़ाएंगे। अगर ये लीक नहीं मालूम चलेगा 100 प्रेशर में तो इसको फिर हम 150 करेंगे, उसके बाद 200 करेंगे। और लीकेज कहाँ कहाँ चेक करना है, जहाँ जहाँ हमको डाउटफुल एरिया हो, यहाँ पे है इसको देखिए, ये बड़ा लीकेज है, ये देखें ये बड़ा लीक है, इसको भी हम लोग ठीक करेंगे, उसके बाद आगे प्रेशर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे एक लीक निकला, और भी लीक चेक करते हैं, और भी जो डिस्चार्ज के ये ज्वाइंट वगैरह हैं जिसपे हमने गैस्केट वगैरह डाला है लगाया है वो सब चेक कर लेते हैं। और अभी हमने उसको रिपेयर कर दिया है वाल्व को, एक बार फिर चेक करते हैं। देखिए अभी इसमें लीकेज नहीं हो रही है, देखिए यहाँ पे लीक मिला आप लोगों के सामने है, तो कहीं पे भी लीक हो सकता है। ये देखिए लीक है, अभी इसका कॉइल निकाल देते हैं और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है लीक कितना बड़ा है, इसके अंदर ओरिंग लीक होगा, ओरिंग ओरिंग फटा हुआ होगा, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो आप लोगों ने देखा 100 PSI नाइट्रोजन में ही कितना सारा हम लोगों को लीक मिल गया, और धीरे धीरे हम इसको ठीक करते जा रहे हैं। जब 100 PSI में लीक बंद हो जाएगा मिलना, तो उसको हम बढ़ा के 150 200 करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। ये सारा प्रोसीजर है कि कैसे हम लोग काम करेंगे जो अच्छा काम होगा। और जब ये भी हो जाएगा, जब हमको तसल्ली हो जाएगी कि इसमें लीक नहीं है, तो कम से कम 12 घंटे के लिए इसको फिर होल्ड पे डाल देंगे। जैसे 200 PSI जब हम डालेंगे, फोटो खींच लेंगे, गेज लगा हुआ छोड़ देंगे या मार्किंग कर देंगे और गेज निकाल भी सकते हैं, और उसको फिर हम 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद दोबारा फिर से चेक करेंगे कि प्रेशर सेम है कि नहीं। अगर 5 PSI 10 PSI का फर्क है तो कई बार चार्जिंग लाइन खोलने लगाने में भी हो जाता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चेक करने के बाद तब हम लोग इसका वैक्यूम का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।